उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। जैसे कि रात को व्लॉग में आपने देखा है, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि भाई जो आपके पास मेला लगा हुआ है तो उस पर जाएँ और उस पर हमें वीडियो बना के भेजें। तो मैं रात को उस मेले पर गया था, उसकी फुल वीडियो मेरे इस चैनल के जो पीछे वाली प्रीवियस वीडियो उसमें अपलोडेड है। आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वो जाके वीडियो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आप इंजॉय करेंगे। जैसे आपको पता है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब के बर्तन निकले हुए हैं, तो उसकी वजह यह थी कि वो बर्तन हो गए थे काफ़ी ख़राब। तो मैंने रात को आपको वीडियो में दिखाया था कि वो बर्तन मैंने निकाल लिए थे, वो सारे बर्तन ये देखे मैंने धो के अच्छे से फ्रेश कर लिए हैं, बिल्कुल साफ़ हुए हुए हैं। तो अभी इनमें से ऐसे करते हैं कि इसमें डालते हैं पानी, पानी डाल के तो सब बर्ड्स के केजेस में लगाते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे मज़े मज़े के व्लॉग मिलते रहेंगे। तो चले आएँ, अभी सब बर्ड्स को डालते हैं पानी, पानी डाल के तो इंशाल्लाह आपसे मैं मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। आप देख ले सब बर्ड्स को मैंने पानी शानी डाल दिया है, ठीक है। तो अब ये मज़े से यहाँ पे पानी शानी अभी इंजॉय करेंगे। तो अभी कुछ और बर्तन हैं, ठीक है, उसमें ये पानी डाल के तो डव के लिए रख देते हैं ताकि डव अपना पानी शानी पी ले कर ले। तो अभी जो बाकी बर्तन हैं वो सारे साफ करके तो इंशाल्लाह उनमें दाना डालते हैं। दाना डाल के अभी मैं जैसे कपड़ा ले आया था उसमें दाना डालते हैं। दाना डाल के पहले मैं ये सारे बर्तन साफ कर लूं अच्छी तरह से, इन सब के बर्तन इधर पॉट लगा देता हूँ, फिर इनमें मैं दाना डालता हूँ अभी। पर पहले सब के बर्तन साफ करने हैं ताकि इसमें नमी वर्मी कुछ भी ना रह जाए, अगर नमी रह गई तो ये दाना सारा ख़राब होगा। तो एक पेड़ का मैंने दाना नहीं रात को निकाला था, उसकी वजह यह थी कि उसके साथ चिक्स हैं, तो वो मैं दाना एक्सपायर नहीं करना, उसको वो चिक्स में एक्सपायर नहीं करना चाह रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं निकाला। तो अभी ये सारों के अभी सिर्फ पॉट्स लगाते हैं, पॉट्स लगा के तो इंशाल्लाह जल्द इनके दाने भी बीच में डाल देंगे। आप देख सकते हैं सबको मैंने पानी डाल दिया है, इनके पॉट्स भी अच्छे से साफ़ करके तो मैंने अभी इनको दाने के लिए डाल दिया। सारे परिंदे भूखे हैं क्योंकि रात को इनमें दाना नहीं था, तो इस वजह से ये अभी सारे के सारे भूखे हैं। तो अभी मैं इन सबको दाना डालता हूँ, दाना डालता हूँ और आप देखें, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दाना इनका निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी ये सब बर्ड्स को डालता हूँ मैं दाना और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि परिंदों को दाना डालते कैसे हैं।
ठीक है, मैं जैसे डालता हूँ मैं आपको बता दूंगा। मैं ऐसे पहले एक बर्तन में बड़े में दाना ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर उसमें मैं उसने सब बर्तनों में एक साइड से स्टार्ट होके दाना इन्हें डाल देता हूँ। ये चेक करें, आज काफ़ी सारा दाना लगना है क्योंकि सारे के सारे पॉट्स खाली हुए हुए हैं, तो इस वजह से आज ज़्यादा दाना लगना है। पहले मेरा कम दाना लगता था क्योंकि पहले के पॉट में पड़े हुआ होता था दाना, तो उसे रिफ्रेश करना होता था, तो इस वजह से दाना कम लगता था। आज दाना ज़्यादा लगेगा क्योंकि रात को सारा दाना निकाल लिया था, जिस वजह से भी दाना ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, वापस अपने रूटीन पे आ जाएगा। जो रात को दाना निकाला था वो कौन सा हमने वेस्ट कर दिया, वो भी अपने पास है, बस उसे आज धोना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वही दाना इस्तेमाल हो रहा था, तो उस दाने को आज धोते हैं। धो के तो उस जगह पे उसे फिर अच्छे से आज ड्राई करेंगे, दिन को अच्छे से धो के ड्राई करके तो इंशाल्लाह फिर वापस अपने बर्ड्स को डालेंगे। ये चेक करें, एक ये मेरा भरा हुआ खाली हो चुका है। मैंने आज आपको बताया ना कि आज मेरा दाना ज़्यादा लगना है क्योंकि आज सब बर्ड्स का दाना निकला हुआ है, तो इस वजह से आज दाना ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह दाना है हमारे पास, कौन सा हमने एक्स्ट्रा कहीं से ले के आना है या कहीं से करना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, इन बर्ड्स को अभी जो दाना डालना है, जो दाना डाल के तो फ्रेश फ्री अप होकर तो मैं आपके साथ दिखाता हूँ। वो पहले वाला ख़त्म हो गया पॉट, अभी दोबारा दाने को भराया है। ये आप अभी चेक कर सकते हैं, मैंने सब बर्ड्स को दाना डाल दिया है, दाना भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए सारे बर्ड्स रात के भूखे थे तो पहुंच गए हैं खाने के लिए, रात से बड़े डिस्टर्ब हुए थे क्योंकि मैंने रात में इनके पॉट्स वगैरह निकाल लिए थे, जिस वजह से ये हुए हुए थे। तो अभी मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी है, एक सैड न्यूज़ भी आपको बतानी है। ये जो मेरी जावा के एग्स थे ना, ये चेक करें, ये सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। तो अभी इन्हें ऐसे करना है कि इन एग्स को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, इन एग्स को मैं यहाँ से उठा के, तो किधर ये इधर मैंने रखता हूँ, इसकी जगह पे ऐसे करना है कि ये यहाँ पे जो दो एग्स पड़े हुए हैं ना, इसके स्नो के और बेंगलाइज के, ये माशाल्लाह से देखें बच्चा काफ़ी अच्छा, उसे फीड शीड करवा रहे हैं आज, उसे फीड ही अभी तक इन्होंने नहीं करवाई, पता नहीं क्या वजह है क्यों नहीं करवाई, लेकिन अभी तक वो अच्छा है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था ये दो एग्स, तो ये एग्स अभी तक फर्टाइल हैं, ये दो जो एग्स हैं ना, ठीक है, ये एक स्नो का है, इसके ऊपर आपको मैं ये देखें स्नो लिखा हुआ है, एक बेंगलाइज का है, तो ये दो एग्स इसके इधर रख देते हैं, ये दो एग्स इनके लिए इधर रख देते हैं। ये मैं आपको चेक कराता हूँ, ये बेंगलाइज का है, ये स्नोक है,
स्नो वाला थोड़ा सा लेट रखा था, लेकिन कोई नहीं, ये हम इधर रख देते हैं। तो इससे फिर ये होगा कि ये जो ख़राब अंडे थे वो इधर से हमने, ये देखे हमने ये निकाल लिए हैं। तो मेरी डव माशाल्लाह से बैठी हुई है, अपना अंडा इनक्यूबेट कर रही है। अंडा तो हुआ ख़राब और टूटा हुआ था, लेकिन माशाल्लाह से ये अपना इनक्यूबेट कर रही है उसे। ये अच्छी बात है कि अपना अंडा इसने छोड़ा नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो ये थी, आपको दिखाना था कि मेरे जावा ने एग ख़राब कर दिया। जावा क्या ख़राब हो गया, मेरी बेंगलाइश के नीचे पड़े हुए थे लेकिन वो एग ख़राब हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली जो होगी वीडियो, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।